नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता, आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो आज फिर रेसिपी लेकर आप सभी लोग के लिए आ गए हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं माँ की रसोई घर में। तो देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सफ़ेद तिल का लड्डू। संक्रांति आ रहे हैं तो अब लड्डू भी, बहुत से चीज़ों का लड्डू संक्रांति में बनता है, तो आज हम तिल का लड्डू बनाकर रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए इस तिल को भून लेते हैं। लड्डू बनाने से पहले जलाकर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो हम तिल को डाल देंगे। हम यहाँ पे तिल 250 ग्राम लिए हुए हैं, 250 ग्राम, तो इसे डालकर हम भूनेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे। तो देखिए, अच्छे से इसे चम्मच से चलाते हुए बढ़िया से सुनहरा भून लिए हैं। इसको हल्का ही सुनहरा भूनना है, ज़्यादा डीप नहीं करना है। ये बहुत अच्छा भून जाएगा तो इसका कलर चेंज होकर इस तरह का हो जाएगा तिल का। तो अब ये भून चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। तो देखिए, तिल को भून लिए। अब 250 ग्राम तिल का लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हम 250 ग्राम से ज़्यादा गुड़ लिए हैं, 300 ग्राम के आसपास में गुड़ लिए हुए हैं। तो इसे कढ़ाई में हम, तो देखिए, गुड़ को डालकर और इस तरह घुलाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर इसे अच्छे से घुलाकर और फिर इसे छानेंगे, क्योंकि गुड़ में कंकड़ हुआ, ईख का टुकड़ा हुआ आ जाता है, तो उसे छान कर निकाल देंगे। तो देखिए, गुड़ को अच्छे तरह से घुला लिए हैं तो अब इसे छान लेंगे। गुड़ को छान कर ले लिए हैं, अब इसे फिर से गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसमें हम गुड़ को डालकर अब पाक बनाएंगे लड्डू बांधने के लिए। अब इसे चलाते हुए पाक तैयार करेंगे। तो देखिए, लड्डू बांधने के लिए तिल का पाक बन रहा है अच्छे से। अब पाक बन रहा तब तक हम क्या करेंगे, देखिए तिल ठंडा हो चुका है तो इसे हाथों से इस तरह हल्का हल्का मिस देंगे और मिस कर और इसे इस तरह थोड़ा झटकार लेंगे तो जो भी इसमें से धुला उला होगा निकल जाएगा। तो देखिए, पाक बनकर तैयार हो गया। तो अब पाक बन गया, ये कैसे चेक करेंगे, तो आप चम्मच में इस तरह ले लीजिएगा और इसे थोड़ा ठंडा कर अपने उंगली से थोड़ा सा इस तरह लेकर और हाथ में इस तरह देख ले। देखिए, जब आपका 3-4 4-5 तार बनने लगे तो समझिए पाक बनकर तैयार हो गया। और हाथ में अच्छा से दोनों उंगली में बढ़िया से चिपचिप हो तो पाक बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, पाक बन गया है तो अब इसमें हम गैस को बंद करेंगे और इसमें तिल को मिलाएंगे लड्डू बांधने के लिए। तो बढ़िया से तिल को मिला देंगे और मिलाकर अच्छे से कढ़ाई में से हम प्लेट में इसको निकाल लेंगे लड्डू बांधने के लिए। तिल को हम कढ़ाई में से निकाल लिए हैं और थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तब हाथ में थोड़ा सा पानी इस तरह लगा लेंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर लड्डू बनाएंगे। आप जितना बड़ा लड्डू बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए, इस तरह लड्डू बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लड्डू बनकर तैयार होगा। आप हाथ में सूखा आटा भी लगाकर, देखिए हाथ में इस तरह सूखा आटा भी लगाकर लड्डू बना सकते हैं। तो सूखा आटा हाथ में लगाकर लड्डू बनाइएगा तो ये लड्डू आप आराम से 2-3 महीना तक खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है जल्दी, बहुत दिन तक ये लड्डू टिकता है। इस तरह हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरह गोल गोल लड्डू बना लेंगे। आप इस तरह बनाइए गोल गोल, या फिर इसे इस तरह चपटा कर गोल गोल बना लीजिए, जिस तरह लड्डू पसंद पड़े आकार उस तरह बना सकते हैं लड्डू तिल का। तो देखिए दोस्तों, सारा लड्डू तिल का बनकर तैयार हो गया। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना तिल का लड्डू। तो आप लोग भी
मकर संक्रांति आ रहा है और इस तरह तिल का लड्डू आसान तरीके से बनाकर खाइए। बहुत ही आसान है बनाना। देखिए हम इसमें कितने डिजाइन के बनाए हैं, गोल वाला, गोल कर कर इस तरह देखिए इसे चपटा कर दिए हैं, तो इस तरह का हो गया है बताशा जैसा। उसके बाद में फिर देखिए लंबे आकार का भी लड्डू बनाए हैं, लंबा कर कर इसे भी चपटा कर दिए हैं। इस तरह आप जिस डिजाइन में भी बना सकते हैं तिल का लड्डू। तो आप लोग भी इस तरह तिल का लड्डू बनाकर खाइएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं रेसिपी का तो आप सभी के पास पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।